बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक डेटा है मेरे पास, टीम, प्लेयर नेम और पोजीशन। अब यहाँ टीम का जो कॉलम आ रहा है, इसमें टीम वन टू इस तरह से नाम दिए हुए, और इसके अंदर जो प्लेयर नेम है, प्लेयर के जो नेम है और उनको पोजीशन दी गई है। तो इधर हम चाह रहे हैं कि ये डेटा इस तरह से रिकॉर्ड में आ जाए कि टीम वन के जितने प्लेयर्स हैं उनके जो पोजीशंस हैं उनके नाम सब एक कॉलम में अलग। फिर उसके बाद जो यहाँ पे टीम टू है, सेकंड टीम के जो प्लेयर हैं उनके नाम अलग कॉलम, और टीम थ्री अलग कॉलम में, इस तरह से उनकी जो पोजीशन के हिसाब से जो नाम है सेपरेट सेपरेट कॉलम में आ जाए, जो हमारे पास सारे एक कॉलम में मौजूद हैं। तो ये किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आज एडवांस एक्सेल के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये फाइल डाउनलोड के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ लिंक से आप डाउनलोड करके इसकी इसी तरह से जो मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें जो मैंने किया हुआ है यहाँ पर, अब आप जब करेंगे तो इसको सिर्फ आप अप्लाई करेंगे फार्मूलों को। तो ये कॉलम बने हुए हैं टीम वन टू थ्री, और कोई भी डेटा हो सकता है। यहाँ टीम का नाम मैंने दिया हुआ है, इधर ग्रुप रख सकते हैं, कोई आईडी रख सकते हैं, अकाउंट नंबर रख सकते हैं, बैंक वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। तो उसको सेपरेटली हमें स्ट्रैक इस तरह से करना है कॉलम में अलग अलग। तो ये हम यहाँ आ जाएंगे टीम वन जो फर्स्ट सेल आ रहा है, और इससे पहले काम हमें ये करना है एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है। इसके लिए हम यहाँ ए के पास आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, और यहाँ पर कॉलम ऐड किया यूनिक, और इधर मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ इक्वल टीम वन जो यहाँ फर्स्ट सेल आ रहा है इसको क्लिक किया, शिफ्ट सेवन एंड फंक्शन, और इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ सेवन, और उसके बाद पोजीशन जो आ रहा है सेल फर्स्ट इसको क्लिक बी टू, कॉन्केटिनेट किया इसको हमने पोजीशन के सेकंड सेल से डी टू, इंटर, ड्रैग कर देंगे जितनी यहाँ टीम्स होंगी वहाँ तक इसको ड्रैग कर दें। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो ग्रेड थे जितने ए बी सी डी ई एफ ए प्लस ए वन ए स्टार, यही ग्रेड हर टीम को दिए गए हैं पोजीशन। अब इनके नाम हमें यहाँ चाहिए, तो अब जो सेकंड टेबल बना हुआ है इसके फर्स्ट सेल में हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल इफ एरर और वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, यहाँ पे जो टीम वन आ रहा है इसको क्लिक किया, वन टाइम एफ फोर करेंगे तो डॉलर आ जाएंगे यहाँ कॉलम से, और रॉ से पहले दो दफ़ा अगर हम F4 करेंगे तो रॉ से पहले एक डॉलर आ जाएगा, मतलब रॉ वाइज ये फिक्स करना है सेल हमें, क्योंकि इसको हम डाउन साइड ड्रैग करेंगे और राइट साइड ड्रैग करेंगे तो इसको एब्सोल्यूट कर देंगे रॉ वाइज। अगर इसकी और एक्सप्लेनेशन देखनी है डॉलर साइन की, यूज़ डॉलर साइन फंक्शन, तो मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉमा लगाया टेबल, अब मसला ये है कि टीम वन और उसके साथ जो है वो ग्रेड हमें चाहिए ए बी जो हमने यहाँ पे कॉलम में रखा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कॉन्केटिनेशन, कॉमा भी हटा रहा हूँ मैं बैक स्पेस, इधर हम लगा देंगे शिफ्ट के साथ सेवन एंड फंक्शन एंड फंक्शन, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा इसको भी कॉन्केटिनेट करेंगे आईडी को, क्योंकि टीम वन जो ऊपर कॉलम हेडिंग है ये है, और फिर इसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट सेल दिया हुआ है इसको भी कॉन्केटिनेट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा डैश फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, और इसके बाद जो ग्रेड है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट करना है कॉलम वाइज, तो यहाँ तीन दफ़ा F4 करना है, इसको हमने दो दफ़ा F4 किया था वाइज और इसको तीन दफ़ा F4 किया कॉलम वाइज, क्योंकि हम राइट साइड इसको फिल करेंगे तो कॉलम आगे ड्रैग नहीं हो, इसलिए हम इसको कॉलम वाइज फिक्स कर रहे हैं। फिर कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर यहाँ जो सेल आ रहा है फर्स्ट
यूनिक जो हमने कॉलम ऐड किया था इसका जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको क्लिक और ऑल टेबल सिलेक्ट A2 से D45 तक टेबल रेंज है ये, यानी सेल एड्रेस। F4 फिक्स कर देंगे इसको भी, अगेन कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब नेम हमें यहाँ पे स्ट्राइक करने हैं अलग अलग कॉलम में, टीम 1 के अलग जो ग्रेड वाले नाम हैं अलग आ जाएं कॉलम में, टीम 2 के अलग आ जाएं, टीम 3 के अलग आ जाएं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें टेबल एरे में प्लेयर 3 है, यूनिक 1 कॉलम, टीम 2 और प्लेयर नेम 3। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर में जो यहाँ पे दे रहा है ये VLOOKUP 3, फिर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एक्सिट मैच, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ पे VLOOKUP एंड हो रहा है तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसका, फिर कॉमा लगाएंगे इनवर्टेड कॉमा, और अगर एरर होगा तो वैल्यू इफ एरर में ब्लैंक 2 इनवर्टेड कॉमा, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। फर्स्ट टीम 1 में जो ए आए हैं उन पोजीशन ए पे उनको नाम उनका वकास है, और फिर उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ ए स्टार भी वकास ही आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे वकास आ रहा है लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि स्टैरिक जो है ये शायद प्रॉब्लम है स्टैरिक की वजह से, तो इसको हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पोजीशन होल्डर, PH शॉर्ट कर दिया, और इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो जाएगा, और ये पोजीशन 1 2 3 में भी रख सकते हैं इस तरह से, नाम हमें स्ट्रैक करने थे, या कोई भी ऐसा डेटा अगर आपके पास आ जाता है जो इस तरह से कॉलम में एक साथ दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और सेम ऑल की यही ग्रेड हमें चाहिए तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसको, एंड तक सब में यही चेंज हो जाएगा ग्रेड पोजीशन होल्डर का। और अब इसके बाद ये जो हमने फार्मूले लगाया है इसको शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट राइट कॉलम तक और कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर तो यहाँ पर A1 जो हमने यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक ड्रैग किया है तो A1 से 2 हो गया ये देखें यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसको बस चेंज कर दिएगा 1। यहाँ पे देखें नाम ऐड हो गया, जहाँ पे ये नाम आ रहे हैं इसको बस चेंज करना है डबल क्लिक, और यहाँ A4 हो गया तो इसको भी डबल क्लिक A1। ऊपर चेक करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर पोजीशन में चेंज करते हैं, ABC की जगह मैं 1 कर दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ, तो सारे जो 1 आए होंगे फर्स्ट पोजीशन उनके नाम आ जाएंगे, जैसे हम यहाँ फर्स्ट सेल में 1 कर दें और इधर भी 1 कर दें तो 1 वकास। और अब टीम 2 के अंदर 1 कौन आया है, मिसाल के तौर पर ये 1 आया तो हम मात टीम 2 में जो है वो 1 है। इसके बाद 3 में मैं इनको कर देता हूँ अकील को 1, तो यहाँ टीम 3 में अकील जो है वो 1 है। तो इस तरह से डेटा एनालाइज कर सकते हैं VLOOKUP एडवांस की मदद से जो मैंने इस क्लास के अंदर आपको बताया। ओवरऑल जो है इसका रिव्यू दे दूँ, जो वीडियो आज मैंने आपको लेक्चर दिया है इसमें हमने एक हेल्पर कॉलम का यूज़ किया है कॉन्केटिनेशन की, इस कॉलम की मदद से इस ट्रैक यूनिक आईडी दी पहले अलग कॉलम के अंदर, फिर इन सबको यूज़ करते हुए अब जो कॉलम हेडिंग्स थी और लेफ्ट कॉलम के हमारे पास यहाँ पर पोजीशन या ग्रेड के लाइन चल रहे हैं, उसको हमने VLOOKUP आईडी के साथ कॉन्केटिनेट किया और अपना रिजल्ट सर्च किया। F4 डॉलर साइन वगैरह के बारे में बताया है इसमें मैंने, और कॉलम वाइज और रो वाइज वगैरह, और इस तरह से हमने डाटा की एक रिपोर्ट तैयार की है इस वीडियो के अंदर, और ये फाइल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड के लिए। फाइल डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।